सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड नाम का जो एपिसोड चल रहा है, मार्क्सवाद का खंडन, उसी के अगले भाग में ये चल रहा हूं। यहां पर कार्ल मार्क्स जो है उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। वेज लेबर एंड कैपिटल नाम के उनके ग्रंथ के अध्याय में है, दास कैपिटल नाम से जो उनका ग्रंथ है उससे लिया गया है, या उनके वेज लेबर एंड कैपिटल नाम के अध्याय में है या लिखा हुआ। इन दोज ब्रांचेस ऑफ इंडस्ट्री इन विच हार्डली एनी पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इज रिक्वायर्ड एंड वेयर द मेयरली बॉडिली एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्कर सफाइसेस, द कॉस्ट नेसेसरी फॉर कीपिंग हिम अलाइव एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग, द प्राइस ऑफ हिज लेबर विल देयरफॉर बी डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द नेसेसरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। In the same way, in calculating the cost of production of simple labor power, there must be included the cost of reproduction, whereby the race of workers is enabled to multiply and replace worn out worker by new ones. Thus, the depreciation of the worker is taken into account in the same way as the depreciation of the machine. The cost of production of simple labor power therefore amounts to the cost of existence of reproduction of the worker. The price of this cost of existence and the reproduction are called wage minimum. अर्थात मार्क्स यहां पर यह बता रहे हैं हम लोगों को कि उद्योग का वह ब्रांच, वह शाखा जहां पर कि ऐसे लेबर जो कि कुछ विशेष योग्यता नहीं प्राप्त किए हैं, जो कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, कोई विशेष शिक्षा इसके लिए नहीं चाहिए, कोई अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए, तो वहाँ पर सिर्फ जो है उनका जो अस्तित्व है उस मजदूर का जो अनस्किल्ड है, तो उसका जो अस्तित्व है जिससे कि वह सिर्फ जिंदा रह सके और बच्चे पैदा कर सके, ताकि फिर उनके बच्चे उसके स्थान पर आ सकें और ये जो वर्कर है वह आउट हो सके और उसकी जगह पर वह आ जाए। जैसे कि हम लोग जो मशीन है, पुरानी मशीन है, वह जब घिस पिट जाती है तो बदल करके नई मशीन फिर ला देते हैं, तो उस तरह से जो पुराने वर्कर हैं जो घिस पिट गए, बुढ़े हो गए हैं, तो वो हट जाएंगे, उसकी जगह पर नए वर्कर आ जाएंगे, वे जो इन वर्कर ने पैदा किए। तो इनको पैदा करने में और उसको अपने बच्चे को वहाँ तक लाने में, एक वर्कर के रूप में देह जिसका सिर्फ हो, वहाँ तक लाने के लिए जो वैल्यू होती है वही उसकी जो है वेज मिनिमम वैल्यू है, यानी वही उसका जो है उसकी मजदूरी की कीमत, मूल्य, मजदूरी का मूल्य वही है। ये मार्क्स हम लोग को समझाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर यह मैं कहना चाहूँगा इस जगह पर कि अगर यही उनका मंतव्य था तो उन्होंने जो सर्वहारा वर्ग है उसमें उन लोगों को क्यों शामिल किया जो दुकानदार थे और ये जो लोग थे जो छोटा मोटा पेटी जो काम कर रहे थे, जैसे कोई चमड़ा सी रहा है, कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है, तो ऐसे लोगों को फिर क्यों शामिल किया, एक प्रश्न यह उठता है। दूसरी बात यह है कि मार्क्स जो है यहां पर उस तरह का दो वर्ग बनाकर लड़ाना चाह रहा था, या तो उनका मंतव्य था
कि सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग के बीच में लड़ना चाह रहा है, लेकिन हम यहाँ पर अभी अब इनके स्टेटमेंट पर शुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स पर ही आते हैं, पॉलिटिक्स को अभी छोड़ दिया जाए। तो यह देखिए, ये कह रहे हैं कि उतना ही मजदूरी देंगे। जो पूंजीपति होता है, जो इंडस्ट्री होती है, वह मजदूरों को उसका बेर मिनिमम एग्जिस्टेंस के हिसाब से वो पैसे नहीं देती है, यानी वह कितने में जीवित रह सकेगा, अपने बच्चे को पाल पोस लेगा, इसके हिसाब से वह जो है वो पैसा नहीं देती। मजदूरों की कितनी उपलब्धता है, उसे कितनी जरूरत है, मजदूरों की कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से वह देता है। उन्हें अपने उद्योग को चलाने के विषय में सोचना होता है, सोचते हैं, न कि मजदूरों का अस्तित्व कितने में रहेगा उसके विषय में। तो उनका जो मूल्य है, जो मजदूरी है, वो उस हिसाब से वे तय करते हैं। वे मजदूरी जो कोई स्किल्ड नहीं है, तो उनकी भी मजदूरी एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई जो मजदूर है वह ज़्यादा मजबूत हो सकता है, वो और वह एक घंटे में वो ज़्यादा काम निपटा सकता है, और दूसरा मजदूर है वह कम काम निपटा सकता है। तो जो ज़्यादा काम निपटाता है तो उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। हम लोग देखते हैं, जैसे ईंट जो पाथा जाता है वहाँ फैक्ट्री, या जितने ईंट पाथरा है उसके हिसाब से उसको पेमेंट हो जाता है। 100 ईंट पाथा तो 100 ईंट के हिसाब से उसको कीमत मिल गई, किसी ने 85 ईंट पाथा तो 85 ईंट की कीमत हो गई, दोनों ही मजदूरी हैं। तो अब ये दोनों ही जो है मजदूर ही हैं, तो उसके हिसाब से हो गया। कोई बोरा उठा लेता है, कोई एक बोरा उठा करके फेंक रहा है एक मिनट में, कोई एक मिनट में दो बोरा उठा के फेंक दे रहा है, तो दोनों की मजदूरी एक थोड़ी होती है, अलग अलग होती है। यानी उसके काम के आधार पर भी मजदूरी होती है, जिसको कि यहाँ पर मेंशन नहीं किया। भले वह किसी पर वो कोई बहुत ट्रेनिंग नहीं लिया हो, कोई शिक्षा नहीं ली हो, लेकिन उसकी जो शारीरिक क्षमता है वह भी तो अलग अलग होगी, उसके आधार पर भी तो मजदूरी होती है, तो उसको यहाँ इन्होंने मेंशन नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात कि जो मैंने एक बात और बता ही दी आपको कि वह जो पूंजीपति होता है वह मजदूरों का कितने में वो जी लेगा, कितने बच्चे पाल लेगा, उसके हिसाब से मजदूरी नहीं देता है। वह मजदूरी देता है कितनी उपलब्धता है। अगर लेबर सप्लाई कम हो जाती है तो वह मजदूरों को और ज़्यादा मजदूरी देता है, बहुत मजदूरी देता है। मजदूर भी तो बचा लेते हैं धन, और बचा करके अपना घर द्वार ये सब और सारी जो सुख सुविधाएं हैं, मजदूरों के घर में भी जाएंगे तो आपको टीवी, फ्रिज और ये सब, कूलर वगैरह सब मिल जाते हैं, उनके पक्के घर हो सकते हैं। तो उनकी मजदूरी कितनी है उसके ऊपर है। अब मजदूरी जो है उसकी कार्य क्षमता पर है, और लेबर कितने उपलब्ध हैं उसके ऊपर भी है। तो लेबर जो है, ऐसा क्या हुआ कि जहाँ पहले बहुत शिक्षा और ट्रेनिंग दे करके 19वीं शताब्दी में तो बहुत रेट बढ़ा था शिक्षित लोगों का, उनको बहुत मजदूरी मिलती थी, लेकिन उस समय हम देखते थे कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार थे, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो मजदूरी उनको कम मिलती थी। लेकिन बाद में जब बहुत पढ़ लिख गए 20वीं शताब्दी में हम देखते हैं, तो जो मजदूर हैं उनकी उपलब्धता कम हो गई, तो उनकी मजदूरी बढ़ने लगी। फिर 21वीं शताब्दी में आकर के हम देखते हैं कि उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई, इसलिए मजदूरी बहुत हो गई। यहाँ तक कि शिक्षित लोग आपको कम पैसे में काम करने वाले मिल जाएंगे, अशिक्षित ज़्यादा पैसे लेते हैं। उत्तर प्रदेश में ही मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं वहाँ टीचर सब पढ़ा रहे हैं मात्र 3000-4000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, जबकि मजदूर जो है डेली 350-300 रुपये मजदूरी ले रहे हैं, यानी 9000-10000 के आसपास जो है महीना उनकी आमदनी हो गई। तो मजदूर 9-10 हज़ार की मजदूरी ले रहा है महीना भर में, और एक शिक्षक जो है वह 3000-4000-5000 में पढ़ा रहा है। तो जो पढ़े हुए शिक्षित लोग, ट्रेंड लोग हैं, उनसे 3 गुने की मजदूरी एक मजदूर पा रहा है, 2 गुने की मजदूरी पा रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर किसकी डिमांड ज़्यादा है उसके आधार पर है। तो डिमांड जब इनकी बढ़ गई, अनस्किल्ड जो लेबर क्लास है, तो उसको काफ़ी पैसे मिलने लगे। तो यहाँ पर एक बात यह भी है जिसको यहाँ पर नज़रअंदाज किया गया। इसके बाद फिर एक और बात है
मनमाना मजदूरी भी आप नहीं दे सकते, अगर उपलब्धता भी है तो भी, क्योंकि सरकार का भी रूल रेगुलेशन कुछ हो सकता है कि आप इससे कम में मजदूर रख ही नहीं सकते, आपको उसको देना ही होगा भले उपलब्ध हो। यह भी एक वहां पर फैक्टर हो सकता है जिसके कारण जो है आपको मजदूरी ज्यादा देनी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। किसकी मजदूरी क्या होगी यह एक व्यक्ति को निर्धारित नहीं कर सकता, कि पूंजीपति ने निर्धारित कर दिया कि जितने में ये जी सकेगा उतना ही मजदूरी दूंगा, जैसे कि मार्क्स समझाना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति नहीं, पूरा बाजार जो है ये करता है, पूरी व्यवस्था करती है, इसमें राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था दोनों ही शामिल हैं और सामाजिक व्यवस्था भी शामिल है। तो ऐसा होता है। अब इसके बाद जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात आ जाती है। यह जो है धीरे धीरे क्या होगा कि ऐसी भी स्थिति आ रही है, बहुत जगह देखने को मिलते हैं कि लोग वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी काम करते हैं। एक मजदूर काम कर रहा है तो अनुभव के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि उस अनुभव के आधार पर उसको कहीं और मजदूरी मिल जाएगी और बेहतर मजदूरी मिल जाएगी, तो वह सस्ते में भी काम कर देगा जो न्यूनतम मजदूरी है, यहां तक कि फ्री में भी काम कर देगा, उसको वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो कितने ऐसे हैं जो वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट के लिए फ्री में काम कर दे रहे हैं, कितने तो हैं कि उसके लिए वो पैसा भी दे रहे हैं कि भाई काम भी हम आपको कर देंगे, पैसे भी देंगे, हमको ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए ले रहे हैं मजदूरी। तो ऐसे भी हो सकती है। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि सारे काम मशीनें करने लग जाए, उस समय क्या होगा। उसमें यह भी हो सकता है ना, एक संभावना है कि कोई काम सीखने के लिए आए और उल्टे वो पैसा भी दे, कोई काम करने के लिए आए ताकि उसका टाइम पास हो, उसके लिए भी वो पैसा दे सकता है, उल्टे मतलब काम भी करेगा पैसा भी देगा। कोई काम के लिए आए उसको एक आर्ट वर्क के रूप में भी वो कर सकता है। तो ये सब सारी संभावनाएं भी हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और बिल्कुल एक ही चीज में उसको जोता नहीं जा सकता है, जैसे कि मार्क्स जोतने का प्रयास कर रहे हैं यहां पर। तो तमाम तरह की संभावनाएं हैं आने वाले समय में, तो इन सब संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मार्क्स ने बिल्कुल ही अपने मनमाने ढंग से कह दिया कि यही जो है वेज मिनिमम है और पूंजीपति इसी हिसाब से देता है ताकि नई पीढ़ी वो पैदा करता रहे। मजदूर वहां आ करके वहां जो काम करेगा उससे वह वहां सीख भी तो लेगा, काम करेगा तो, और उसके आधार पर भी तो वह जो है अब वहां ट्रेनिंग पा लिया, अब उसकी उन्नति हो जाएगी, वहां से सीख करके वह भी तो कोई बिजनेस खड़ा कर सकता है, क्योंकि उसके पास हुनर है। किसी के पास पैसा भी हो सकता है, जिसके पास हुनर नहीं हो तो वो इसको पैसा भी दे सकता है कि भाई लो मेरे पास पैसा है, तुम हुनर तुम अब जान गए हो, तुम सीख लिए हो, तुम काम जानते हो, चलो हम लोग बिजनेस कर लिया जाए, तो पार्टनर बन जाएंगे। ऐसे भी तो हो रहे हैं, ऐसे नहीं होते हैं क्या? तो मार्क्स ने इसको तो समझा ही नहीं महत्व, वो सोचा कि एक मजदूर है वहां जिंदगी भर मजदूरी रह जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, एक बार जिसने मजदूरी वहां कर ली तो वो जिंदगी भर मजदूर ही रह जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो तो उसकी बुद्धि पर है, उसकी कामना पर है कि वो क्या चाहता है। वो वहां से निकल भी सकता है और वैसे ही काम ले सकता है, वो ठेकेदार भी बन सकता है, मजदूरों की सप्लाई भी करने लग जाएगा, उस काम की सप्लाई कर सकता है, उस काम में जिन चीजों की जरूरत पड़ रही है जिस काम को वहां कर रहा है उसका भी एक छोटा मोटा यूनिट वो भी बैठा सकता है। इस तरह से भी काम होते हैं। तो इन संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है जिनको कार्ल मार्क्स ने यहां पर नजरअंदाज किया हुआ है। हरिओम।